हम सब ने बचपन में द केशिश का असल शो जरूर देखा होगा। आज भी जावेद जाफरी की वो अमेजिंग वॉइस ओवर एंड कमेंट्री एंड द केशिश का असल का वो वाला एपिसोड जो हम देख रहे हैं, वो कौन जीतेगा की एक्साइटमेंट आज तक हमारे दिल में है। ये बेटा ऊपर जाकर बाप को डायरेक्शन देगा कि क्या करना है। अरे पापा उधर मत घुसो। पापा ने बेटे की बात नहीं मानी और धर लिए गए। ये शो हमारे दिल में इतनी जगह तो ले चुका है कि अगर ये फिर कभी रीटेलीकास्ट हुआ प्रॉपरली तो हम इसके कुछ ना कुछ एपिसोड्स तो वापस रीलिव जरूर करेंगे। बट दिस सेगमेंट इज नॉट अबाउट टकेशीज कासल, बट ए ब्रीफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज जापान में द केशीज कासल जैसा मिलता जुलता एक गेम शो जस्ट फॉर वन डे जापान के एक टीवी स्टेशन मियाज़ाकी के अंदर लाइव रखा गया था, जिसके फर्स्ट लुक में आपको श्योरली द केशीज कासल की ही वाइब आने वाली है। इस गेम शो को जापान के एक रिमोट एरिया के अंदर ऑर्गेनाइज करे जाने वाला था एंड इस गेम के रूल सच में काफी ज्यादा सिंपल थे एंड आई लिटरली मेंट दैट। दो प्लेयर्स एक मड से भरी लेक में एक स्मॉल वुडन स्टैंड के ऊपर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे एंड जिस भी प्लेयर ने अपना सिर्फ बैक का फोर्स लगाकर अपने ओपोनेंट को मड लेक में पहले पुश कर दिया तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा। प्लेयर्स को सिर्फ इन दो रूल्स का ध्यान रखना होता है कि आप अपने बॉडी को आगे करके फिर एक जर्क फोर्स के साथ पीछे करके उसको पुश नहीं कर सकते थे एंड सेकंड चीज ये थी कि आपको पीछे नहीं मुड़ना है इवन इफ यू आर लूजिंग। पहले राउंड का जो विनर था वो ऑब्वियसली ये बंदा बन चुका था, लेकिन जो लूजर गर्ल थी उसकी ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी क्योंकि जो शो के होस्ट थे उन्होंने उसकी हार को थोड़ा बहुत ट्रोल कर दिया था आफ्टर शी वेंट इनटू दैट लेक। बट फर्दर इस ट्रोल का रिप्लाई करते हुए वो लूजर गर्ल उस होस्ट को ये चैलेंज देती है कि अगर उसमें हिम्मत है उसको हराने की तो उस वुडन ब्लॉक पर आ जाए एंड वो रेडी है राउंड टू के लिए एंड उसने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो डेफिनेटली उसको हरा कर दिखाएगी। ये बात सुनकर होस्ट भी इस लड़की का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है एंड सरप्राइजिंगली इस गेम के जो रिजल्ट्स थे वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। इस बंदे का नाम था तासुची यानागिरा जो इस गेम शो को होस्ट कर रहा था एंड पहले मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि ये जो मडी वाटर लेक थी ये सिर्फ 6 इंच ही गहरी थी एंड उन 6 इंच के सीधा नीचे बहुत ज्यादा हार्ड मड थी जिसके ऊपर अगर आप जोर से गिर गए तो आपको काफी ज्यादा चोट भी लग सकती है एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो भी जाता है बिकॉज व्हेन दैट होस्ट डाइव्ड इनटू दैट लेक दैट मूवमेंट रिजल्टेड इन वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट हिस्ट्री ऑफ जापानीज टेलीविजन। तासुची का बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ना शुरू हो जाता है एंड ये रियलाइज करते हुए कि वो उस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा उस बैलेंस के बिगड़ने के कारण तासुची यानागिरा एक स्मॉल जंप के साथ सीधा उस लेक में डाइव कर देते हैं एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पानी आपको लेक के अंदर दिख रहा है वो सिर्फ 6 इंच के आसपास ही गहरा था। इसी वजह से जब तासुची ने वो जंप लगाई वो डाइव लगाई तो वो अपनी सीधा गर्दन के बल इतनी जोर से गिरे उस लेक में जिसकी वजह से उनकी पूरी नेक ब्रेक हो चुकी थी एंड उसी ब्रेकेज की वजह से उनकी बॉडी फॉर द टाइम बीइंग एकदम पैरालाइज भी हो गई थी एंड ड्यू टू दैट पैरालाइजेशन वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को एकदम मूव कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन द स्केरियस्ट थिंग वाज स्टिल अबाउट टू हैपन और आई शुड से वाज ऑलरेडी हैपनिंग। जो आसपास के लोग थे उनके लिए तो तासुची का हारना एक कॉमेडिक मूवमेंट बन गया था एंड उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तासुची उस मडी वाटर के अंदर पैरालाइज्ड पड़े हैं। आसपास जो उनके लोग खड़े थे उनको ये लग रहा था कि तासुची अपनी हार के बाद कैमरा के अंदर अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहे थे एंड वो उन सभी के साथ एक प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे अननोन ऑफ द रियल सिचुएशन उनकी डिफीट का मजाक बनाते हुए। आसपास के लोग उनकी पैरालाइज्ड बॉडी के ऊपर ही और भी ज्यादा मड लगाना शुरू कर देते हैं एज द टोकन ऑफ बिगेस्ट लूजर ऑफ दिस गेम। ऑब्वियसली देयर वाज नो चांस कि तासुची उस मडी वाटर के अंदर इतना गहरा जाने के
के बाद बिल्कुल भी सांस ले पा रहे होंगे। एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स ऑफ प्लेइंग विद तासुची'स बॉडी, वो लोग उसकी बॉडी को फाइनली उठाने की कोशिश करते हैं। एंड जैसी उसकी बॉडी उन्होंने उठाने की कोशिश करी, वो एक लाइफलेस डेड बॉडी की तरह वापिस अपने आप पानी में गिर गई। लेकिन अभी भी उन लोगों को उनकी ये हरकत देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो इंटेंशनली ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब उनकी बॉडी वापिस मड के अंदर ड्रॉप हो गई थी, तो वो लोग फिर से उनकी गर्दन के आसपास एंड उनकी बॉडी के ऊपर भी मड लगाना शुरू कर देते हैं। एंड उनकी बॉडी को उसी मडी वाटर में एंड उसी मडी लेक में ऊपर नीचे भी अब तो वो करना शुरू कर दिए थे। बट देन फाइनली उसी हंसी मजाक के मॉल में एक क्रू मेंबर को ये रियलाइज होता है दैट समथिंग इज रॉन्ग। एंड तभी वो तासुची की बॉडी को वापस पिक करते हैं। एंड इस टाइम पिक करने के बाद तासुची फाइनली अपने माउथ से अपने उस पेन के बारे में उन लोगों को बता पाता है। तासुची के माउथ से वो पेनफुल वर्ड्स बाहर आते ही उस ब्रॉडकास्ट को इमीडिएटली एंड कर दिया गया था। बट कॉल इट अ मिरेकल दैट तासुची यानागिडा वाज एबल टू सर्वाइव दैट ब्रूटल एक्सीडेंट कॉट लाइव ऑन कैमरा। लेटर ऑन उन्होंने अपनी इस अमेजिंग स्टोरी को बाद में अपने काफी सारे सेमिनार्स के अंदर भी लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे अगर वो कंटेस्टेंट एंड उनके क्रू मेंबर्स उनकी बॉडी को पिक ही नहीं करते एंड हंसी मजाक ही करते रह जाते आपस में, एंड अगर उनकी बॉडी को कुछ ही और सेकंड्स उस पानी के अंदर गुजारने पड़ जाते तो डेफिनेटली वो वहीं पर ही डेड हो जाते। फॉर्चुनेटली तासुची उस एक्सीडेंट को सर्वाइव कर तो पाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉडी आज बिल्कुल भी वैसी कंडीशन में नहीं है जैसी उस टाइम पर थी जब वो उस शो को होस्ट करने गए हुए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा शायद अभी पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। बट दैट मैन इज श्योरली अ फाइटर एंड उन्होंने अपने उस एक्सीडेंट के बाद भी अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है। एंड इवन मायाज़ाकी टीवी स्टेशन के अंदर काफी सारे और भी गेम शोज को अटेंड किया है जो उनकी बॉडी उन्हें अलाउ कर पाती। एंड इतना ही नहीं, तासुची यानागिडा ने अपने इस डार्क मूवमेंट से काफी सारे लोगों को इंस्पायर भी जरूर किया है। 2006 में क्रिस्टीना स्कोट करके एक अमेरिकन टीवी शो यूएस टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। एक ऐसा टीवी शो जिसके अंदर इसकी मेन होस्ट का नाम था क्रिस्टीना पेरेस। एंड ये पूरा का पूरा शो मोस्टली क्रिस्टीना की बातें एंड गाइडेंस के ऊपर ही रिवॉल्व अराउंड करता होता था। बेसिकली ये एक ऐसा शो था जिसके अंदर लोगों के रियल लाइफ लीगल ड्रामा, कोर्ट केसेस एंड लीगल बैटल्स को रिजॉल्व आउट करने के कुछ सॉल्यूशंस एंड इवन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट एंड फन। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस शो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट थी एंड हार्मलेस थी, तो ऐसा क्या डार्क मोमेंट कैप्चर हो गया था इस शो की हिस्ट्री के अंदर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट दैट मच सिंपल। क्रिस्टीना स्कोट के एक मॉर्निंग एपिसोड को शूट करने के लिए उस टाइम के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडियन ऑफ यूएसए कम्स टू जॉइन क्रिस्टीना स्कोट, जिनका नाम था शॉन हैरिस। एंड शॉन हैरिस को आप कपिल शर्मा ऑफ यूएसए भी कह सकते हो, इतने ज्यादा फेमस थे वो। इस वाले पर्टिकुलर शो के अंदर शॉन हैरिस एक ऐसा एक्ट प्ले करने की कोशिश करने वाले थे जिसके अंदर वो बात करते हैं कि उनकी एक ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड है जो उनसे अपने पिछले 9 महीने के अपार्टमेंट रेंट को मांग रही है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड $4,500। एंड वो अमाउंट वो शॉन हैरिस को पे करने को बोलती है जबकि उनका अब कोई रिलेशन भी इतना कुछ खास नहीं है। एंड अगर वो उस रेंट को पे करने के लिए डायरेक्टली मना कर देते हैं तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनसे लड़ने झगड़ने को भी एकदम तैयार हो जाती है। Every month it would be something different, you know? Like what? I ain't got it this month because I gotta do this or that. I'm like, man. So you let her go 9 months without paying rent? एंड ये सारी बातें सुनकर आपको एक चीज फिर से रिमाइंड हो गई होगी कि ये शो स्क्रिप्टेड था एंड जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट व्यूअर्स के लिए था। लेकिन इस शो के फॉर्मेट में एक और ऐसी चीज भी होती थी कि जो कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं, जो व्यूअर्स वहां पर बैठे हुए हैं, जो लाइव इस टेलीकास्ट के अंदर मौजूद है, उनमें से कोई भी पर्सन आकर शॉन हैरिस या फिर जो भी वीआईपी गेस्ट वहां पर उस एपिसोड में मौजूद है उनको अपनी प्रॉब्लम का अपनी तरह से कोई सोल्यूशन बता सकते हैं। एंड इसीलिए शॉन हैरिस की दी गई उस सिचुएशन का आंसर करने के लिए क्रिस्टीना स्कोट की उस ऑडियंस में से एक लेडी उठकर आती है। एंड जब वो लेडी शॉन हैरिस को अपना आंसर प्रेजेंट कर रही थी तो इतने में ही शॉन हैरिस उनका आंसर सुनने के बाद कुछ ऐसा बोल देते हैं जो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं हुआ था एंड थिंग्स स्क्रिप्ट से थोड़ी डेविएट होनी शुरू हो जाती है। Constantly like a child in my People whole in house. Love, they yell at each other. Oh, that's true. Ask him, he's been married for how long? Over 27. Look at him though, he look mad. You don't look happy, brother. He's very happy.
Okay, all right, let's get back to the... शॉन हैरिस बीइंग अ प्रोफेशनल कॉमेडियन वो उस लेडी की एडवाइस को आंसर करते हुए एक काफी ज्यादा सेवेज रिप्लाई भी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एपिसोड और भी ज्यादा एंटरटेनिंग तो जरूर हो गया था, लेकिन अभी एक चीज होनी बाकी थी जो काफी टाइम बाद हुई थी, जिसकी वजह से ये एपिसोड ये शो काफी ज्यादा मेमोरेबल भी बन गया था। बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कि जो वुमेन शॉन हैरिस को कन्फ्रंट करने के लिए आई हुई थी ऑडियंस में से, वो शॉन की प्रॉब्लम को समझते हुए शॉन को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एडवाइस वगैरह कुछ दे रही थी। एंड उस एडवाइस का काउंटर करते हुए क्रिस्टीना स्कॉट में जो क्रिस्टीना का बॉडीगार्ड खड़ा होता था उसके सामने, वो शॉन एंड उस लेडी की बात को समझाने के लिए अपने बॉडीगार्ड के रिलेशनशिप का एग्जांपल भी देना शुरू कर देती है, जिसके अंदर बेसिकली क्रिस्टीना वांटेड टू पोर्ट्रे हर बॉडीगार्ड एज सक्सेसफुल मैरिज पार्टनर, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड एंड उनकी वाइफ को 27 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके थे मैरिज किए हुए। बट देन इसी पॉइंट पे शॉन हैरिस स्क्रिप्ट से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं माहौल को लाइट करने के लिए, एंड क्रिस्टीना के बॉडीगार्ड जिसका नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, विच वॉज रेनेट स्पाइवी, के ऊपर एक सार्केस्टिक शॉट फायर करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली ही सेज दैट्स व्हाई ही लुक्स मैड, ही डजंट लुक हैप्पी एट ऑल, बेसिकली पॉइंटिंग एट रेनेट 27 ओल्ड रिलेशनशिप विद हर वाइफ। ये मोमेंट एक बार के लिए तो एपिसोड का बेस्ट पार्ट बन जाता है। इवन रेनेट स्पाइवी ये जोक सुनने के बाद खुद थोड़ा बहुत क्रैकल अप हो गए थे, तो शायद अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि डार्केस्ट पार्ट क्या है इन सब के अंदर, जो क्रिस्टीना स्कॉट के अंदर शॉन हैरिस ने ऑडियंस के माहौल को लाइट हार्टेड करने के लिए बनाया गया था। एंड जिस तरह से लोगों ने रेनेट स्पाइवी के इतने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तारीफ करी थी, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो जोक एक रियलिटी के अंदर बदल जाएगा। Still developing tonight, a Harris County Sheriff's deputy facing serious charges. 63-year-old Renard Spivey accused of killing his wife, 52-year-old Patricia Spivey, after an argument that turned deadly. KPRC Channel 2's Bill Barajas. July 20th, 2019, Christina Scott के वो एपिसोड के एयर होने के ऑलमोस्ट 9.5 ईयर्स के बाद अचानक ये खबर फैलना शुरू हो जाती है कि 63 ईयर ओल्ड रेनेट स्पाइवी ने अपनी बिलवर्ड 52 ईयर्स ओल्ड वाइफ पैट्रिशिया को एक हीटेड आर्गुमेंट के बीच में दो गनशॉट वूंड्स देकर मार दिया था। ये आर्गुमेंट बेसिकली रेनेट स्पाइवी के हाई स्टेरॉयड यूसेज की वजह से शुरू हुई थी, एंड लेटर ऑन इस लड़ाई का जब कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, तब वो वर्बल लड़ाई एक डेडली मर्डर केस के अंदर तब्दील हो चुकी थी। स्पाइवी ने उस हीटेड मूवमेंट के अंदर अपनी वाइफ के ऊपर दो गनशॉट्स फायर करे थे। जो पहला गन वुंड था वो उनके सीधा आर्म के अंदर जाकर लगा था, लेकिन जो सेकंड गन वुंड था वो सीधा उनकी चेस्ट पर जाकर लगा, एंड चेस्ट से सीधा हर्ट के अंदर वो बुलेट चली गई थी, एंड सेकंड गनशॉट वुंड के जस्ट बाद ही पैट्रिशिया वॉज लाइंग डेड। बट पुलिस तक तो ये बात ऑब्वियसली पहुंच ही चुकी थी, एंड लेटर ऑन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको उनकी वाइफ की बॉडी उसी क्लोजेट के अंदर काफी ज्यादा क्रम्बल अप पोजिशन के अंदर पड़ी हुई मिली थी, एंड वो नजारा सच में काफी ज्यादा डार्क एंड क्रीपी भी था इवन फॉर द पुलिस। 2009 में जिस फेमस टीवी शो के अंदर इतने ज्यादा फेमस करेक्टर की जिस वजह से तारीफ करी थी कितने सारे लोगों ने, उसके करीब 10 साल के बाद ये सिचुएशन अब एकदम वाइस वर्सा हो चुकी थी, एंड पीपल वर लुकिंग एट रेनेट स्पाइवी एज सम रेकलेस वाइफ किलिंग मॉन्स्टर। आज की तारीख में भी स्पाइवी अपनी सजा को अपने सिंगल सेल के अंदर काट रहा है, एंड वेट कर रहा है कि कब वापिस से उसको फ्रेश एयर लेने का मौका मिलेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी ये वेट कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी, बिकॉज ही हैज बीन इम्प्रिजन for lifetime. So the only thing Spivey can wait for now is his death. दोस्तों इस वाली वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ 8500 लाइक्स एंड 650 कमेंट्स। आई नो आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना प्लीज। द ट्वाइलाइट जोन 2002 का एक ऐसा टेलीविजन शो जो कि मिस्ट्री एंड थ्रिलर जॉनरा को बिलोंग करता होता था। ये वाला टीवी शो इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि इसके ऊपर लिटरली एक मूवी भी बनाई जा रही थी, जो अगेन टीवी पर ही मेजरली टेलीकास्ट होने वाली थी। इस मूवी का नाम था द ट्वाइलाइट जोन द मूवी, एज सिंपल एज इट कुड गेट। ऑब्वियसली हॉलीवुड के अंदर तो वी नो कि स्टार्टिंग से ही मूवीज को बनाए जाने के लिए काफी ज्यादा हाई बजट सेट्स बनाए जाते थे, स्पेशली इफ द मूवी फ्रेंचाइजी एंड द मूवी नेम हैज ऑलरेडी बिग मार्केट वैल्यू। इस मूवी की एक स्टोरी लाइन के अंदर एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो एक्टर्स को परफॉर्म करनी थी, जिसके अंदर एक ऐसा सीन सिमुलेट किया जाने वाला था दैट वियतनाम वॉर में एक काफी ज्यादा ब्रूटल बैटल हो रही है, जिसके अंदर इस सीन के मेन प्रोटैगनिस्ट एंड एक्टर जो कि प्ले करने वाले थे विक मोरो, एक यूएस
यूएस आर्मी अटैक हेलीकॉप्टर को आउटरन करते हुए नजर आने वाले थे टू एस्केप दैट एरिया एंड दैट बैटलफील्ड। एंड ये स्क्रिप्ट का पार्ट जो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, ये इस मूवी का, इस टीवी मूवी का क्लाइमैक्स भी होने वाला था। थोड़ा सा और डिटेल में आपको स्क्रिप्ट समझाना चाहूंगा बिकॉज दैट वे आप स्टोरी को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे एंड इससे रिलेट कर पाओगे। इस सीन में बिल नाम का एक करेक्टर था जो कि विक मोरो प्ले करने वाले थे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिल अपने आप को वियतनामीज विलेज में जो कि एक डेजर्टेड इलाके में मौजूद था वहां पर पाते हैं खुद को। एंड उस जगह पर जब बिल की आंखें खुली थी तो उनको दो इनोसेंट वियतनामीज चिल्ड्रन भी मिले थे जो कि वॉर के कारण अपनी फैमिली से बिछड़ चुके थे एंड पीछे छूट चुके थे। लेकिन जैसे ही बिल को वो दोनों बच्चे मिलते हैं एक यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर सीन में अपीयर हो जाता है। एंड जैसे ही वो हेलीकॉप्टर अपीयर होता उसी टाइम बिल को वो दोनों बच्चे अपने आर्म्स के अंदर रखकर वहां से उस जगह से उस हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करनी थी। एंड जैसे जैसे बिल वहां से भाग रहे होते ये दिखाया जाने वाला था कि दो अमेरिकन हेलीकॉप्टर उनके पीछे पड़ा है, वो उनके विलेज को जितनी ज्यादा फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स हो सकते थे उसकी मदद से डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। ओके, आप फिर से सोच रहे होगे कि एक मूवी शो की स्क्रिप्ट में आपको क्यों बता रहा हूं, ऐसा क्या डार्क था स्क्रिप्ट के अंदर। जिस जगह के अंदर ये स्क्रिप्ट, ये सीन्स शॉट होने वाले थे वो बहुत ही ज्यादा डार्कनेस एंड ब्लड से भरने वाली थी एंड किसी को भी इस चीज का 1% भी रियलाइजेशन नहीं था। 2002 फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा टाइम था जब मूवी स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पीक पर नहीं थे एंड इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते होते थे, इसलिए मोस्टली केसेस में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ही यूज किया जाता था। एंड सिर्फ इस स्क्रिप्ट के इस पार्ट के लिए इस मूवी के डायरेक्टर जॉन लैंडिस ने एक फुल फ्लेज्ड यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर एंड काफी सारे एक्सप्लोजिव्स को भी मंगवाया हुआ था। एंड डायरेक्टर ने कुछ इतने ज्यादा ही एक्सप्लोजिव मंगा लिए कि रियल टाइम में व्यूअर्स को देखकर ऐसा लगे कि सच में वो हेलीकॉप्टर उस जगह को बहुत ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन जब द ट्वाइलाइट जोन द मूवी का ये पार्ट शूट होने लगा एंड जब डायरेक्टर ने एक्शन वर्ड को बोल दिया अपने माउथ से, उसके बाद से जितने भी एक्सप्लोजिव्स उस डायरेक्टर ने अपने सेट के अंदर लगाए थे वो सारे वन बाय वन ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड वो ब्लास्ट इतने ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड पर थे कि पूरा का पूरा सेट ही जगमगा उठा था। वो सेटअप कुछ इतना ज्यादा ही ब्राइटन अप हो गया था कि उन एक्सप्लोजिव्स के कारण अब हवा के अंदर काफी सारी फायर बॉल्स रिलीज हो रही थी एंड उनमें से ही कुछ छोटी छोटी फायर बॉल्स उस हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स एंड टेल ब्लेड्स के अंदर जाकर भिड़ने लग गई थी, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर जो उस छोटे से सेट में फ्लोट कर रहा था इतनी देर से वो धीरे धीरे अपना बैलेंस खोना शुरू कर देता है। एंड इट वॉज अ मेडे फॉर द एक्टर्स नॉट द पायलट, बिकॉज उस हेलीकॉप्टर के क्रैश के टाइम किसी ने भी बिल को ये नहीं बताया था कि वो हेलीकॉप्टर जो है क्रैश होने वाला है। और मे बी किसी भी टीम मेंबर को इतनी जल्दी पता ही नहीं चला कि वो हेलीकॉप्टर जो है क्रैश करने वाला है बिकॉज उन्होंने वो सेट एक्सप्लोजिव ब्लास्ट कर करके इतना ज्यादा ब्राइटन अप जो कर दिया था। बट अगेन दिस प्रूव्ड वेरी वेरी फेटल एंड जब वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्रैश हो चुका था नीचे सेट पर, तब अनफॉर्चुनेटली वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल उन एक्टर्स के सामने ही क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से विक मोरो who was playing the character of Bill, 7-year-old boy Mika Dinley and 6-year-old girl Renee Sheen, who were playing the role of lost Vietnamese children, in sabki bodies almost do parts ke andar divide ho chuki thi because us crashing helicopter ke tail blades seedha inki body se jaakar takra gaye the. And because ye incident ek accident consider kiya ja raha tha, kisi ko bhi guilty ka tag mila hi nahi, not to anyone in the production team, not to anyone in the crew and not even to the director of the movie who was John Landis. But Bill ki family ko ya fir un chote bachchon ki family ko compensation mein kya mila hoga ye to baad ki baat hai, lekin the most important thing that has to be noted here ki kya koi bhi sach mein is accident ke liye responsible nahi tha, kya ye ek stupid si galti nahi thi jisko easily avoid kiya ja sakta tha agar Bill ko timely information de di jati us helicopter ke crash hone ke liye, kyunki achanak se to helicopter crash hota nahi hai, usko thoda thoda time to lagta hai crash hone mein, to itne mein Bill ek safe कवर ले सकते थे, लेकिन कोई उनको इन्फॉर्म तो करता एंड बिल से आई मेंट
विक मोरो जो कि बिल का करेक्टर प्ले कर रहे थे। बट ये वाले एक्सीडेंट के ऊपर या इंसिडेंट के ऊपर मेरी एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि डायरेक्टर ने जान मूझ कर इस सीन को पॉज नहीं करवाया था जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा था, बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा खर्चा हो चुका था मूवी के ऊपर एंड आई थिंक उनके बजट से बिल्कुल बाहर ही चली जाती है मूवी अगर वो सारा एक्सप्लोजिव एंड हेलीकॉप्टर्स वापिस बुलाते तो। इसलिए आई थिंक इस वाले सीन को एंड इस मूवी की स्क्रिप्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई ओवर द लाइफ ऑफ दोस थ्री एक्टर्स जिनमें से दो सिर्फ यंग बच्चे ही थे। गाइस वीडियो लाइक जरूर करना इफ यू थिंक दैट यू हैव वॉच समथिंग न्यू टुडे। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो टू सी सम ऑफ माय पर्सनल अपडेट्स। भर भर के कमेंट्स भी कर दो, शेयर भी कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा कॉन्टेंट मिस नहीं करना चाहते तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।